और आते हैं तो उसके पहले एक तरीका बना हुआ है टेस्ट होने का, वहाँ टेस्ट हो गया, सब आ गए 186, और यहाँ पर जो टेस्ट किया उसमें 6 लोगों का हो गया, निकल गया पॉजिटिव। तो दुख तो नहीं होगा, बहुत दुखद होगा कि भाई क्या हो रहा है, इतना तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावे जो अभी ये सब खाना वगैरह का काम देखता है, जो आता है उसका भी एक का पॉजिटिव निकल गया, जो सब चीज़ को देखता है। यानी अब जैसे पिछली बार जिस तरह से अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था, वैसी ही लगता है घटना शुरू हो गई। आज तो जो भी हुआ था कल और आज तो हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हो गया, इसलिए बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। आज सब जगह की खबर लेकर के कल तो निर्णय लेना पड़ेगा। हमने बता दिया है, जो हम गए थे वहाँ, जो 15 साल से ऊपर वाले, 18 साल के 20 तक के बच्चे बच्चियों का जो शुरू होना है टीकाकरण, तो उस सिलसिले में हम वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ पर भी बातचीत जो हुई थी उसमें हमने ये बता दिया। लेकिन वहाँ से आने के बाद ना यहाँ सब पता हो गया है। जब जा रहे तो उसमें हमको एक आदमी के बारे में मालूम हुआ था कि एक आदमी का पॉजिटिव निकल गया, लेकिन अब उसके बाद देख रहे हैं। तो अब तो हर किसी की जांच हो रही है पूरे तौर पर, जितने सरकारी कार्यालय और सब जगह सबका जांच शुरू हो गया। इवन हम लोगों के साथ जो रहते हैं सब लोगों की अब जाँच हो रही है, अब पता चलेगा। इसलिए अब तो जाँच तो अब जानते ही हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा कराते रहते हैं, प्रतिदिन कभी 2 लाख से ऊपर हो जाता है, लेकिन मतलब 1.5 से 2 के बीच में, प्रति लाख से बीच में होते रहता है। आज से कुछ दिन पहले तक तो कोई आता ही नहीं था, किसी किस दिन पूरा 2 लाख की जांच हो गई, 0 आया। लेकिन अब अचानक पिछले 7-8 दिनों से, 10 दिनों से मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ा था, लेकिन अब तो अचानक बढ़ गया। एक तो है स्थिति है, और उसके बाद तो यहीं पर हम लोग तो ओमिक्रॉन का भी टेस्टिंग लिए शुरू करें कि है कि नहीं, वो भी देखा जाएगा। लेकिन बाकी तो पॉजिटिव है ही ना, ओमिक्रॉन नहीं है तो दूसरा ही पुराना वाला ही है। लेकिन इसको देखना और इसके लिए सब लोगों को सजग रखना जरूरी है। अभी डॉक्टर्स का बहुत सा हो गया है, तो ये सब स्थिति तो है कि अचानक फिर बढ़ गया। तो जैसे देश भर में, मैंने दुनिया भर में तो बढ़ा ही, देश भर में तो बढ़ा ही, अपने राज्य में भी अब शुरू है बढ़ना, तो इसके लिए तो है ही। अब पहले से हम लोग तय किए हुए नियम, आवाज अब जब यहाँ आने वालों में भी हो गया तब तो सब पर विचार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हाँ नहीं, हम तो कल जा ही रहे हैं, कल का तो जा ही रहे हैं, सब वहाँ देख रहा है। लेकिन कल अभी तक तो जो बाहुनी है ना, ऑल पार्टी मीटिंग, तो अभी बीजेपी को जो कहा गया तो उनकी तरफ से आ जाएगा, उसके बाद ना डेट तय होगा। बाकी सब लोगों का तो हो गया समय उनकी, तो आरोप का बात नहीं ना, सर्वदलीय कर रहा है, तो सब लोगों को कह दिया गया, सहमति आ गई, एक जगह का वो बातचीत कर रहे हैं, उसकी सहमति जिस दिन आ जाएगी उसके बाद हो जाएगा। हमको तो नहीं है कि कोई असहमति से आएगा, लेकिन अगर वो बातचीत करने में जो भी हो कर लेंगे, हमने तो कह ही दिया है। और अभी हाल ही हम बात किए हैं फिर कि देख लीजिए इस पर, यहाँ के लोगों से कह दिया, ठीक। लेकिन कल शाम जगह का पता करके जो कुछ भी होगा निर्णय, उसके बाद उसी के आधार पर आगे देखेंगे कैसे क्या करना है। लेकिन ये तो अचानक हो गया, अभी तो कितना एकदम बिल्कुल था, उसी हिसाब से हम लोग कई तरह का कार्यक्रम कर रहे थे और कोई भी चीज़। लेकिन अब अचानक जब शुरू हो गया है तो उस पर तो सबसे अधिक ध्यान रखना आवश्यक, तो इसके लिए लोगों के बीच में इसके लिए पूरी जागृति पैदा करना, इलाज का पूरा प्रबंध करना, इलाज के पूरे प्रबंध की तो पूरी तैयारी, उसमें कोई कमी नहीं। जहाँ जहाँ पहले भी रखा जाता था लोगों को इलाज के लिए, सब तरह की पूरी तैयारी है, और दवा वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन की भी कोई समस्या अब नहीं है, हर तरह की तैयारी पूरी है। तो इसलिए जो कुछ भी होगा उस पर तो किया ही जाएगा, लेकिन लोगों को जागरूक तो करना पड़ेगा फिर और ज़्यादा। थोड़ा बहुत तो कहा जा रहा है, किसी का हो रहा है सचेत, लेकिन अब जब यहाँ भी शुरू हो रहा है इतना, तब तो करना ही पड़ेगा, वो तो देखा ही जाएगा। आज भी सब जगह का रिपोर्ट लिया जाएगा, कल भी रिपोर्ट लेकर कल शाम तक, चूँकि 5 तारीख से फिर 5 तारीख तक अभी तक है, तो रिपोर्ट लेकर के फिर 5 के आगे जिस तरह से कोई पाबंदी या कुछ भी करना पड़ेगा, अगर कहीं रोक करना पड़ेगा तो निर्णय लिया जाएगा, अब तो कल ही शाम में लिया जाएगा। नहीं अभी तो नहीं कहा जा सकता है कि इतना ज़्यादा नहीं है कि अभी टला जाए, लेकिन देख रहे हैं हम लोग अभी, तो देखना पड़ेगा कि क्या है।
ये तो बाकी सभी राज्यों में लोग देखेंगे। और पहले भी जो चुनाव हुआ तो उस समय जितना ज़्यादा था, अब मान लीजिए केरले वगैरह का चुनाव कितना हुआ, तो इस तरह से हुआ। बिहार में भी तो था ही पहले, तो फिक्सन के साथ भी हुआ, तो चुनाव के बाद भी कितने लोग थे। लेकिन अभी तो बिल्कुल ठीक हो गया था, जैसा कह रहे कि शून्य होता था, लेकिन फिर अचानक पिछले कुछ दिनों से शुरू हो गया। तो मतलब कि 5-7 दिन से 10 दिन से तो थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से ज़्यादा हो गया। और आज की जो रिपोर्ट आ रही है वो थोड़ा और भी, इसलिए इस पर रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसा हमने बताया कल ही, अब इस पर आगे क्या क्या करना चाहिए देखा जाएगा। हाँ, ये अचानक हुआ एकदम, जिसको कहिए अचानक ये सब बातें आई, तो हम लोग देख लेते हैं करेंगे उस हिसाब से। और बाकी सब लोगों को इसके लिए तो कहा जाता ही है, लेकिन और भी लोगों को जागरूक करने के लिए और सब कुछ किया जाएगा, यही है। अभी तक तो जो बात होनी है ना ऑल पार्टी मीटिंग, तो अभी बीजेपी